हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। सभी सहारा निवेशक साथियों का एक बार फिर से हमारे स्टी न्यूज़ चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए न्यूज़ लेकर आए हैं, वह न्यूज़ दीपावली से 2 दिन पहले की है। जी हाँ दोस्तों, पूरी खबर है सहारा परिवार चार निवेशकर्ताओं को। जी हाँ दोस्तों, सहारा परिवार चार निवेशकर्ताओं को लौटाएगा 5,35,000 रुपये। तो दोस्तों, ये न्यूज़ जो है ये उपभोक्ता फोरम की न्यूज़ है, और इस उपभोक्ता फोरम की न्यूज़ को नई दुनिया अखबार ने बहुत प्रमुखता से अपने अखबार में छापा है। तो दोस्तों, पूरी न्यूज़ क्या है ये बताने से पहले हम आपको आपके विचार ये जानना चाहते हैं, क्या उपभोक्ता फोरम से जो निवेशकों के हित में फैसला आता है कि इनका पैसा जल्द से जल्द लौटाया जाए, विद ब्याज लौटाया जाए, और मानहानि दंड का जो इनके ऊपर अलग से जुर्माना देने का कहा जाता है, तो क्या ये सब कुछ, जी हाँ दोस्तों, सारा पैसा क्या निवेशकों तक पहुंच जाता है? दोस्तों, कुछ ऐसे निवेशक हैं जिनका कहना है कि उपभोक्ता फोरम से भी कोई फायदा नहीं मिल रहा, वहां से तो केवल ऑर्डर हो जाता है ऑफिसों के लिए कि पैसा जल्द से जल्द दे दिया जाए, लेकिन उपभोक्ता फोरम के ऑर्डर की भी कोई मान्यता इस वक्त सहारा के ऑफिस के कर्मचारी नहीं मानते नजर आ रहे हैं, ना ही उपभोक्ता फोरम के किसी बात का अभी तक किसी निवेशक तक पैसा गया। तो दोस्तों, सही क्या है और गलत क्या है इसका सिर्फ निवेशक तक ही पता है, लेकिन जो न्यूज़ हमारे पास आई है वो हम आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। न्यूज़ है रकम की अदायगी के समय। जी हाँ दोस्तों, न्यूज़ में आया है कि रकम की अदायगी की समय सीमा पूरी होने के बावजूद भी निवेशकों तक नहीं पहुंच पा रहा है पैसा। पूरी न्यूज़ है जहांगीर चापा की, सहारा इंडिया परिवार द्वारा संचालित क्यू सोप योजना के तहत जमा किए गए चार आवेदकों के रकम को समय पर भुगतान नहीं करने को सेवा में कमी मानते हुए संबंधितों को 5,35,000 रुपये का भुगतान 1 माह के भीतर भीतर ब्याज सहित अदा करने का आदेश उपभोक्ता फोरम ने दिया है। साथ ही आवेदकों को मानसिक क्षति वाद व्यय की राशि अलग से देनी होगी। तो दोस्तों, इसी क्रम में आगे है कि आवेदकों के अनुसार सहारा इंडिया परिवार द्वारा संचालित क्यू सौंप योजना में स्थानीय कार्यालय में एजेंट के माध्यम से उनके द्वारा निश्चित अवधि के लिए रकम निवेश किया गया था। उक्त रकम की अदायगी के समय सहारा इंडिया द्वारा जानकारी दी गई, जिस पर आवेदकों ने उपभोक्ता फोरम में वाद प्रस्तुत किया। आवेदकों ग्राम हल्दी निवासी श्रीमती मुन्नेश्वरी पांडे पति सव्या शत्रुधन पांडे ने मई 2019-12 में 5 किस्तों में भुगतान अदा किया। जी हाँ दोस्तों, 5 किस्तें इन्होंने जमा की, जिसका कुल 1,20,700 रुपया का निवेश 6 वर्षों के लिए किया, जिसमें परिपक्वता राशि 2,85,740 रुपये होती है। इसी तरह ग्राम हल्दी के ही आशुतोष पिता शत्रुधन पांडे द्वारा अक्टूबर 2012 में 4 किस्तों में 96,100 रुपये के निवेश की परिपक्वता राशि 1,61,490 रुपये ग्राम बनारी की श्रीमती कामा यानी पति मनोज पांडे द्वारा दिसंबर 2012 में 3 किस्तों में कुल 44,200 रुपये के निवेश की परिपक्वता राशि 90,223 रुपये तथा ग्राम बेलन बेलगन्हा जिला बिलासपुर निवासी श्रीमती निशा तिवारी पति निर्मल तिवारी द्वारा जून 2012 में 12,100 रुपये का निवेश किया था, जिसकी परिपक्वता राशि 25,596 रुपये का भुगतान निश्चित समय अवधि में नहीं हुआ। तो दोस्तों, इन चारों का जो उपभोक्ता फोरम
में केस था, उस केस में जो फरमान सुनाया गया वो इस तरह से है। उपभोक्ता फोरम की अध्यक्ष श्रीमती तनेज श्री देवी देवागन, या दोस्तों पूरा नाम है इनका तनेज श्री देवी देवागन, सदस्य मनरण सिंह मंजू राठौर ने सुनवाई करते हुए मामले को सहारा इंडिया परिवार की सेवा में कमी पाया, सेवा में कमी मानते हुए मामले का फैसला सुनाते हुए सभी आवेदकों के परिपक्वता कुल रकम 5,35,306 रुपये 1 माह के भीतर ब्याज सहित भुगतान करने का आदेश दिया। साथ ही सभी को 5,5,000 रुपये मानसिक क्षति तथा 2,000 रुपये वाद व स्वरूप भुगतान करने का आदेश पारित किया गया। तो दोस्तों क्या ये पैसा जो इन्होंने उपभोक्ता फोरम ने अपने, जी हाँ दोस्तों फैसले में ये सुनाया गया फैसला कि सहारा इंडिया को जल्द से जल्द इनको 5,35,000 रुपये का भुगतान दिया जाए, तो दोस्तों क्या ये भुगतान इनको मिलेगा? दोस्तों अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें ताकि हमें पता चल सके कि इस वक्त निवेशकों में किस तरह की विचारधाराएं चल रही हैं। तो दोस्तों ये बड़ी न्यूज़ आपको एसटी न्यूज़ चैनल से दी जा रही है। खबर पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें ताकि पल पल की खबर आज आप तक पहुंचाते रहें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।